हेलो दोस्तों नमस्ते। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू कराने हेतु काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बिहार के विभिन्न जिलों में बैठक का आयोजन करते हैं। बिहार के विभिन्न जिलों से आकर के जो है बिहार के शिक्षा मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद, विधायक सभी को जो है पत्र सौंपते हैं कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करे सरकार। इसके लिए आपको बता दूं कि इन सब के बावजूद पर इसका कोई नहीं दिख रहा है। जब बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में सांसद पप्पू यादव से मिले थे, तो बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से भी मिले, लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान यही आया बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू कराने हेतु को लेकर के कि समान काम के बदले समान वेतन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब तक यह सुनवाई नहीं हो जाएगा तब तक जो है बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। जी हां, अभी भी जो है बिहार के शिक्षा मंत्री का यही बयान आ रहे हैं, बिहार में की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने हेतु समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट का मामला, 12 जुलाई को होने वाली है फैसला, उसके बाद ही बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, इस पर विचार किया जाएगा। टीईटी पास अभ्यर्थी दिन रात एक कर रहे हैं बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू कराने हेतु, लेकिन इसका थोड़ा भी असर जो है सरकार पे नहीं दिख रहा है। हालांकि बिहार सरकार जो है अब गेस्ट टीचर की बहाली करने जा रही है और इसके लिए विभिन्न जिलों से जो है रिक्तियों की ब्यौरा मांगा गया है और बहुत ही जल्द बिहार में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्ति हो सकती है।